नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल आईक्यू क्रैकर में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट का लेक्चर नंबर 8। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैस्लोस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस। तो आज हम लोग देखेंगे कि मोटिवेशन वर्क कैसे करता है। तो हम लोग किसी को भी मोटिवेट करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें जानना होता है कि उसे किस चीज़ की नीड्स है। उसके नीड्स को हम लोग जब तक जानेंगे नहीं तब तक हम लोग उसे मोटिवेट कैसे करेंगे। तो इसीलिए जो है किसी भी पर्सन के पास उसकी कुछ नीड्स होनी चाहिए, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत होनी चाहिए, तभी हम लोग उसे जो है मोटिवेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है अकॉर्डिंग टू मैस्लोज थ्योरी हमें जो है मोटिवेशन को कुछ इसी तरह से पढ़ना है कि हम लोग जो है यहाँ पर 5 बेसिक नीड्स पढ़ने वाले हैं, जिसके थ्रू जो है हमें धीरे धीरे मोटिवेशन मिलते रहती है कि एक नीड हमारा कंप्लीट हुआ तब जाके हम लोग फिर से मोटिवेशन आता है कि हम लोग जो है दूसरा नीड कंप्लीट करें, तीसरा नीड कंप्लीट करें। तो हमारा, और जैसा कि हम लोग जानते हैं, इंसान जो है कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता है। वो चाहे 10,000 भी कमाए तो भी सेटिस्फाइड नहीं होगा, 10 लाख भी कमाए तो भी सेटिस्फाई नहीं होगा। वो आगे और भी पैसा कमाने की और भी शोहरत कमाने की कोशिश करता है, और इसे ही हम लोग कहते हैं मोटिवेशन। तो अकॉर्डिंग टू मैस्लोस थ्योरी हमारे पास जो है 5 बेसिक नीड्स होते हैं, तो इन्हें हमें पढ़ना है। और अकॉर्डिंग टू मैस्लोस ये 5 बेसिक नीड्स जो हमारे होते हैं वो एक तरह से हमें मोटिवेट करते हैं कि हमें जो है अगर हमारे पास फर्स्ट नीड्स है तो हम लोग सेकंड नीड्स के लिए आगे बढ़ते हैं, और सेकंड नीड्स कंप्लीट होने के बाद हम लोग फिर थर्ड नीड्स को पाने की कोशिश करते हैं। तो हमें इस तरह से जो है स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर सेकंड नीड्स हमारा कंप्लीटेड नहीं है तो हम लोग थर्ड नीड के बारे में नहीं सोचते हैं। जैसा कि हम लोग गेम्स होता है ना, गेम्स में कैसे होता है, पहले फर्स्ट लेवल क्रॉस करते हैं फिर सेकंड लेवल क्रॉस करते हैं, उसी तरह यहाँ पर जो है हमारे 5 बेसिक नीड्स होते हैं ह्यूमंस के। तो चलिए देखते हैं कि वो नीड्स हमारे क्या क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो नीड आता है हमारा, वो आता है फिजियोलॉजिकल नीड्स, फिर आता है हमारा सेफ्टी नीड्स, फिर आता है सोशल नीड्स, फिर आता है हमारा इस्टीम नीड्स, फिर आता है हमारा सेल्फ एक्विलाइजेशन नीड्स। तो चलिए इन सभी नीड्स को थोड़ा सा ब्रीफली जान लेते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा फिजियोलॉजिकल नीड्स। तो फिजियोलॉजिकल नीड्स का मतलब होता है कि बेसिक नीड्स जो हमें जीने के लिए चाहिए होते हैं, जो हर एक लिविंग थिंग्स को चाहिए होते हैं, चाहे वो इंसान हो या फिर जानवर हो। फॉर एग्जाम्पल हो गया एयर, वाटर, फूड, शेल्टर, स्लीप एंड सेक्स ऑल्सो। ओके, तो ये हमारा हो गया फिजियोलॉजिकल नीड्स। अब हमारा नेक्स्ट आता है सेफ्टी नीड्स। तो सेफ्टी नीड्स का मतलब तो आप लोग समझते ही होंगे, हमारी सुरक्षा के लिए हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है वो देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेफ्टी नीड्स में हमारा जाता है एम्प्लॉयमेंट, फैमिली, रिसोर्सेस, हेल्थी प्रॉपर्टी, फिर आता है हमारा इंश्योरेंस वगैरह, जो भी हमारे हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह होते हैं, कार के इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस वगैरह वगैरह, ये सब क्या होते हैं हमारे, ये सब होते हैं हमारे सेफ्टी नीड्स। अब हमारे किसी भी ह्यूमन के फिजियोलॉजिकल एंड सेफ्टी नीड्स कंप्लीट होने के बाद वो जो है आगे नेक्स्ट अपने अगले नीड्स को देखता है, पाने की कोशिश करता है। तो फिर नेक्स्ट नीड्स हमारा क्या आता है, नेक्स्ट नीड्स आता है हमारा सोशल नीड्स। तो सोशल नीड्स का मतलब होता है कि हम लोग जो है दूसरे लोगों के साथ जो है तालमेल बैठाते हैं, दूसरे लोगों के साथ अपना अट्रैक्शन दिखाते हैं, दूसरे लोगों के प्रति अट्रैक्शन होना और उनके प्रति जो है जैसे लव वगैरह होता है ना, प्यार मोहब्बत, वो सब होता है सोशल नीड्स। तो सोशल नीड्स में हमारा क्या क्या आता है चलिए देख लेते हैं। तो सोशल नीड्स के एग्जांपल्स में हम लोग ले सकते हैं फ्रेंडशिप को ले सकते हैं, लव को ले सकते हैं, डेटिंग को ले सकते हैं, अफेक्शंस को ले सकते हैं वगैरह वगैरह। तो इसी तरह से जो है हमारा लव वगैरह जो होता है ये सब सोशल नीड्स होता है। ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट आता है स्टीम नीड्स। तो स्टीम नीड्स क्या होता है, स्टीम नीड्स का मतलब होता है सेल्फ रिस्पेक्ट। जो है अब हम लोग का जितना भी नीड्स कंप्लीट हुआ है इसमें हम लोग देखें कि हम लोगों ने जो है बेसिक नीड्स ले लिए, सेफ्टी नीड्स ले लिए, सोशल नीड्स ले लिए, इन सभी नीड्स के बाद हमें जो है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है इज्जत के बारे में ख्याल आता है कि हम लोग जो है अपनी इज्जत कैसे बढ़ाएं, लोगों के बीच अपना जो है सम्मान कैसे लाएं। तो ये होता है हमारा स्टीम नीड्स। तो स्टीम नीड्स के कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। स्टीम नीड्स के एग्जांपल्स में आ जाते हैं कुछ अचीवमेंट्स, सोशल स्टेटस, अटेंशंस वगैरह, रेपुटेशन वगैरह, जैसे हो गया ये सब होता है हमारा स्टीम नीड्स की। हमें जो है दूसरे लोगों के प्रति अपना जो है रेपुटेशन को कैसे बढ़ाना है, दूसरे लोग हमें किस तरह से जानेंगे, हमारा जो है रेपुटेशन, हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट, हमारा इज्जत किस तरह से होगा, यही होता है हमारा स्टीम नीड्स। तो यहाँ तक जो है हर एक नॉर्मल पर्सन को, नॉर्मल इंसान को, नॉर्मल ह्यूमन को जो है इन नीड्स तक की ज़रूरत होती है। ये 4 नीड्स जो है सबसे बेसिक और
कंपलसरी नीड्स होते हैं किसी भी ह्यूमन बींग्स के। अब हमारा नेक्स्ट नीड जो आता है वो आता है हमारा फिफ्थ नीड, जो कि है सेल्फ एक्विलाइजेशन नीड्स। ये हमारा लास्ट नीड इसलिए आता है क्योंकि बहुत ही कम लोग होते हैं जो इस नीड्स को कंप्लीट कर पाते हैं, या फिर कह सकते हैं इस नीड्स तक आ पाते हैं और उन्हें जो है ये सब मिल पाता है। तो यहाँ पर हमारे क्या क्या एग्जाम्पल्स आते हैं चलिए देख लेते हैं। तो हमारा सेल्फ एक्विलाइजेशन का एग्जाम्पल आता है मोर्टैलिटी, फिर आता है क्रिएटिविटी, विजडम, जस्टिस, एक्सेप्टिंग फैक्ट्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग्स वगैरह वगैरह। ये सब जो है हमारा जैसे जजमेंट वगैरह होता है ना, जैसे हम लोग को जस्टिस चाहिए होता है किसी भी चीज़ के लिए, हमें जो है न्याय चाहिए होता है, तो वो सब होता है हमारा सेल्फ एक्विलाइजेशन। ओए जज साहब मुझे न्याय चाहिए, आई नीड जस्टिस, मुझे जस्टिस चाहिए जज साहब। वी नीड जस्टिस, वी नीड जस्टिस, वी नीड जस्टिस, हमें इंसाफ चाहिए। तो यही होता है दोस्तों हमारा सेल्फ एक्विलाइजेशन नीड्स, जो हर किसी को नहीं मिल पाता है। तो मैस्लोज थ्योरी में हमें बेसिकली इन्हीं पांच बेसिक नीड्स के बारे में पढ़ना था। अब हम लोग चलिए इनके सिग्निफिकेंस को देख लेते हैं, यानी कि किसी भी मैनेजमेंट में हमें जो है इन नीड्स की किस तरह से ज़रूरत पड़ती है और मैनेजमेंट जो है हमें ये नीड किस तरह से प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा हो गया फिजियोलॉजिकल नीड्स में लंच ब्रेक्स हो गया, रेस्ट टाइम हो गया, ब्रेक वगैरह हो गया, फिर हो गया प्रॉपर टेम्परेचर हो गया, ड्रिंकिंग वाटर्स हो गया, टॉयलेट की फैसिलिटीज़ हो गई। इसी तरह के जो नीड्स होते हैं जो कि मैनेजमेंट द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, वही हमारा हो जाता है सिग्निफिकेंस ऑफ फिजियोलॉजिकल नीड्स। इसके बाद नेक्स्ट आता है सिग्निफिकेंस ऑफ सेफ्टी नीड्स। तो जो कोई भी मैनेजमेंट होता है वो सेफ्टी के लिए हमारे लिए क्या क्या करता है चलिए देख लेते हैं। तो हमारा कोई भी मैनेजमेंट अगर होता है तो वो जो है वर्क करने के लिए हमें जो है एक सेफ्टी इंश्योर करके देता है कि हम लोग जो है आपकी सेफ्टी का पूरा ख्याल रखते हैं, और इसी तरह से जो है वो लोग इंश्योर करते हैं कि हमारा जो वर्किंग इन्वायरमेंट है वो पूरी तरह से सेफ हो, हमारा जो है इक्विपमेंट्स वर्किंग इक्विपमेंट्स है वो पूरी तरह से सेफ हो, फिर हमारा जो है रिटायरमेंट बेनिफिट्स हमें प्रोवाइड करता है, फिर हमारा एक्सीडेंटल वगैरह का इंश्योरेंस हमें देता है, फिर हमारा जॉब सिक्योरिटी भी वो लोग प्रोवाइड करते हैं ताकि हमें पता चले कि ये जॉब हमारे लिए सिक्योर है, हमें जो है बाद में इस जॉब से निकाल नहीं दिया जाएगा वगैरह वगैरह। तो ये सब जो होते हैं ये सेफ्टी नीड्स होते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ सेफ्टी नीड्स। फिर हमारा नेक्स्ट आता है सोशल नीड्स के सिग्निफिकेंस। तो सोशल नीड्स क्या क्या होते हैं, तो किसी भी मैनेजमेंट में हमें जो है कोई प्रोजेक्ट वर्क मिलता है तो हम लोग उसके लिए क्या करते हैं, हम लोग जो है टीम वर्क करते हैं। तो इसी तरह से जो है हम लोग सोशल नीड्स उसको हम लोग कह सकते हैं। सोशल इवेंट्स में हम लोग जाते हैं, गेट टुगेदर, कुछ पार्टीज रखा जाता है मैनेजमेंट के थ्रू, स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स किए जाते हैं, तो ये सब जो होते हैं हमारे सोशल नीड्स होते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट आता है स्टीम नीड्स। तो स्टीम नीड्स क्या होते हैं, स्टीम नीड्स का मतलब तो मैंने आपको बताया जैसा कि सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, तो किसी भी मैनेजमेंट में जो है कोई आदमी अगर अच्छा वर्क करता है, अच्छा काम करता है, तो उसे जो है अवार्ड्स दिए जाते हैं उसके अचीवमेंट्स के लिए, उसे जो है रिस्पेक्ट दिया जाता है। जैसा कि फॉर एग्जांपल अवार्ड दिया जाता है, प्रमोशंस दिया जाता है, उसे जो है उसके अच्छे काम के लिए जो है अप्रिशिएट किया जाता है कि उसने काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है सेल्फ एक्विलाइजेशन नीड्स। तो सेल्फ एक्विलाइजेशन नीड्स हमारे क्या होते हैं मैनेजमेंट में, सेल्फ एक्विलाइजेशन का मतलब होता है यहाँ पर कि हमारा जो है फुल कैरियर पोटेंशियल को जो है पाना, उसके लिए जो है मैनेजमेंट हमें अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है, चैलेंजेस प्रोवाइड करता है, जिससे कि हम लोग अपने फुल पोटेंशियल को दिखा पाते हैं किसी भी मैनेजमेंट को। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है सेफ्टी मैनेजमेंट। तो सेफ्टी मैनेजमेंट क्या होता है, किसी भी मैनेजमेंट में जो है हम लोग को अपने सेफ्टी को इंश्योर करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। कोई भी वर्क अगर करते हैं किसी भी स्टाफ के द्वारा, किसी भी मेंबर के द्वारा, किसी भी ह्यूमन के द्वारा हम लोग जो है कोई भी वर्क कराते हैं, तो उसकी सेफ्टी हमें जो है इंश्योर करना ये हमारी ड्यूटी होती है। और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि किसी भी काम में, किसी भी वर्क में जो है एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकें, जितना ज़्यादा हो सके एक्सीडेंट्स एंड इल इफ़ेक्ट्स को अवॉइड कर सकें। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा काउजेज ऑफ एक्सीडेंट्स भी देख लेते हैं। तो हमारा जो एक्सीडेंट्स होता है वो हमें बोल के तो नहीं आता है कि मैं आ रहा हूँ तैयार हो जाओ, ऐसा तो नहीं होता है। एक्सीडेंट्स जो है वो आते हैं, कब आते हैं, कैसे चले जाते हैं वो हमें कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन हो जाते हैं। और एक्सीडेंट्स होने के कारण हमें कई सारे जो है काउजेज हो जाते हैं, कई सारे लॉसेस हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं वो क्या क्या लॉसेस हमें होते हैं, क्या क्या काउजेज होते हैं कोई भी एक्सीडेंट होने पर, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है मेनली थ्री कैटेगरीज के काउजेज हमारे आते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा टेक्निकल काउजेज, फिर आता है इन्वायरमेंटल काउजेज, फिर आता है हमारा पर्सनल काउजेज। तो ये सभी काउजेज जो है हमारे होते हैं कोई भी एक्सीडेंट ऑकर होने पर।
तो जो हमारा टेक्निकल काउजेज होता है, ये होता है किसी भी मशीन के ख़राब होने पर, किसी भी इक्विपमेंट्स के ख़राबी के कारण हमारा जो है जो काउजेज जो एक्सीडेंट्स ऑकर होता है उसे हम लोग टेक्निकल काउजेज बोलते हैं। फिर हमारा इन्वायरमेंटल काउजेज वो काउजेज होता है जो कि हमारे इन्वायरमेंट के कारण होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल टेम्परेचर हाई हो जाना, ह्यूमिडिटी हाई हो जाना, और एज अ कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा नॉइस होने की वजह से जो भी एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, जो भी डिस्ट्रैक्शंस आते हैं इन्वायरमेंटल के कारण, इन्वायरमेंट के कारण, वो सभी आते हैं हमारे इन्वायरमेंटल काउजेज में। फिर हमारा नेक्स्ट आता है पर्सनल काउजेज। तो पर्सनल काउजेज में क्या होता है, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ एक्सपीरियंस जो पर्सन का होता है, जो कि ज़्यादा जानता उनता नहीं है और आ जाता है काम करने के लिए, वो लोग के कारण जो भी एक्सीडेंट्स होते हैं, नौसीखे लोगों के कारण जो एक्सीडेंट्स होते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं पर्सनल काउजेज। अब हमारा कोई भी काम होता है तो उसमें जाहिर सी बात है छोटे मोटे एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, होने को भला कौन टाल सकता है। लेकिन हम लोग जो है एक्सीडेंट्स को मिनिमाइज कर सकते हैं, कुछ अगर हम लोग सेफ्टी मेजर्स, कुछ अगर हम लोग प्रिवेंशंस को ध्यान में रखें तो हम लोग जो है एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो वो कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। तो हमारे एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए जो सेफ्टी मेजर्स आते हैं उनमें सबसे पहले आता है हमारा प्रोवाइड सेफ गार्ड्स, यानी कि कोई भी अगर मशीन्स होता है, मूवेबल मशीन्स होता है या फिर कोई भी ऐसा मशीन जो वर्क हो रहा है उसमें अगर कोई भी चांसेस होता है हमारा एक्सीडेंट्स होने का, कोई भी दुर्घटना होने का, तो उसका जो है हम लोग पहले से एक गार्ड यानी कि एक सेफ्टी मेजर जो है रख लेते हैं। एक तरह से हम लोग जो है बॉडी गार्ड टाइप का कुछ बना देते हैं। जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग जा रहे हैं कोई वॉर में जा रहे हैं, हमें पता है कि वहाँ पर गोली लगने के चांसेस काफ़ी कम है, फिर भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहन के जाते हैं कि अगर बाई चांस अगर हमें गोली लग भी गई तो भी हमें जो है ज़्यादा नुकसान ना हो। फिर हमारा नेक्स्ट सेफ्टी मेजर आता है रेगुलर मेंटेनेंस, यानी कि कोई भी मशीन जो है वो बहुत दिनों से वर्क कर रहा है तो उसे जो है हम लोग रेगुलरली मेंटेनेंस करते रहते हैं, उसे जो है अच्छी तरह से देख रेख करते रहते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट सेफ्टी मेजर आता है प्रिवेंशन ऑफ फायर। तो हम लोग जहाँ पर भी काम करते हैं वहाँ पर जिन भी चीज़ों पर जो है आग लगने की ज़्यादा संभावना होती है, वहाँ पर आपने देखा होगा कि हमें जो है नोटिफाई करने के लिए कुछ मार्क्स दिए जाते हैं, डेंजर का साइन दिया जाता है या फिर नो स्मोकिंग का यहाँ पर साइन दिया जाता है कि यहाँ पर स्मोकिंग करने का जो है अलाव नहीं है, मना है स्मोकिंग करना वगैरह वगैरह। और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि जितने भी आग लगने वाले ऐसे इक्विपमेंट्स से संभावना है इनमें आग लग सकती है, उनको जो है हम लोग रेगुलर काम होने वाले इक्विपमेंट से दूर रखें और उन्हें जो है सेपरेट करके रखें। फिर हमारा नेक्स्ट सेफ्टी मेजर आता है ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स। अब हम लोग किसी भी नौसिखिए वर्कर को तो ऐसे ही काम पर नहीं डाल सकते हैं, तो इसलिए जो है हम लोग इंश्योर करते हैं कि वो प्रॉपरली ट्रेंड हो। इसके लिए हम लोग जो है उसकी ट्रेनिंग कराते हैं और उसके जो है प्रॉपर एक रिज़ल्ट को देखते हैं, उसके प्रोग्रेस रिज़ल्ट को देखते हुए ही उसे जो है काम पर जो है नौकरी पर ज्वाइनिंग देते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट सेफ्टी मेजर आता है गुड ऑर्डर्स एंड गुड हाउसकीपिंग, यानी कि हम लोग कोई भी ऐसा काम होता है तो मान लेते हैं कि कोई भी ऐसा काम है जो डेंजर काम है तो उसे जो है करने का एक प्रॉपर प्लेस होता है, प्रॉपर जगह होता है। फॉर एग्जांपल हमारे जो भी एटॉमिक प्लांट्स होते हैं, एटॉमिक पावर स्टेशंस होते हैं, वो जो है कोई भी विलेज या फिर सिटी के नज़दीक नहीं होते हैं, कोई भी खाली एरिया में वो लोग जो है जनरली इसे बनाते हैं, क्योंकि इसे जो है सेफ्टी मेजर एज अ कह सकते हैं। अगर फ्यूचर में कभी इसमें फेलियर या फिर कुछ भी एक्सीडेंट्स होता है तो हमारा जो है ज़्यादा कुछ ज़्यादा काउजेज इसमें ना हो, इसीलिए हम लोग जो है इसे एक तरह से कह सकते हैं गुड ऑर्डर एंड हाउसकीपिंग का सेफ्टी मेजर इसमें रखते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट सेफ्टी मेजर आता है वर्किंग क्लोथ्स। तो हमारा जो क्लोथ्स होता है वो भी हमारे काम पर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कहीं माइनिंग का काम करते हैं तो वहाँ पर जो है हमें एक प्रॉपर यूनिफॉर्म दिया जाता है, साथ ही साथ जो है हेलमेट वगैरह भी दिए जाते हैं ताकि कोई भी छोटे मोटे एक्सीडेंट्स या फिर कह सकते हैं पत्थर वत्थर जो है सर पर गिरने की वजह से हमें जो है ज़्यादा सीरियस डैमेज ना हो। फिर हमारा नेक्स्ट सेफ्टी मेजर आता है कुछ जनरल सेफ्टी इक्विपमेंट्स, जैसे कि फायर एक्सटेंशन वगैरह हो गया, कहीं भी आग लगने पर तुरंत हम उसे बुझा पाएँ, इसकी जो है हमारे पास कुछ इक्विपमेंट्स रखी जाती है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है नोटिफिकेशंस और कह सकते हैं साइंस ऑफ डेंजर, लाइक नो स्मोकिंग, मैन एट वर्क वगैरह वगैरह, हाई वोल्टेज, इस तरह का साइन जो है हमें दिया हुआ होता है सेफ्टी मेजर्स के लिए। फिर हमारा नेक्स्ट आता है एडिक्वेट लाइटनिंग, यानी कि प्रॉपर हमारा लाइटनिंग होना चाहिए, कोई भी काम हम लोग कर रहे हैं वहाँ पर हमें अगर लाइट की फैसिलिटी ना हो तो हम लोग जो है वहाँ पर शायद
कोई एक्सीडेंट्स मिस्टेकली कर सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट आता है फॉल प्रोटेक्शन। कभी भी हम लोग ऊंची जगह पर काम करते हैं तो वहाँ पर जो है हमें गिरने से बचने के लिए हमेशा जो है हम लोग अपने कमर पे एक तरह की रस्सी बांध लेते हैं, ताकि हम लोग किसी तरह से वहाँ से फिसल कर गिर भी जाएँ तो हम लोग जो है ज़मीन पर लैंड ना करें और हमारा जो है स्वर्गवास ना हो जाए। फिर हमारा नेक्स्ट सेफ्टी मेजर आता है कि हम लोग जो है रिड्यूस कर सके इलेक्ट्रिकल इंजरीज़ को जितना ज़्यादा हो सके। जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कोई भी जगह पर हम लोग वर्क करते हैं और वहाँ पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम लोग बिजली का ही काम करते हैं, तो वहाँ पर जो है बिजली लगने की संभावना कुछ ज़्यादा होती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि वहाँ पर जो है फ्यूज़र्स वगैरह डाल देते हैं कि अगर किसी भी तरह से जो है कोई भी सर्किट्स पे छेड़खानी करते हुए अगर उसे शॉक लग भी जाए तो जो है वहाँ पर फ्यूज़ के कारण, फ्यूज़ के वायर कटने के कारण जो है वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई बंद हो जाए, जिससे कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी से कोई भी ज़्यादा इंजरीज ना हो पाए। फिर हमारा नेक्स्ट सेफ्टी मेजर आता है क्रिएशन ऑफ सेफ्टी प्रोपोगेंडाज, यानी कि हम लोग जो है लोगों को सेफ्टी और सेफ रहने के लिए जागरूक करें, उन्हें जो है सिगरेट्स वगैरह पीने से मना करें। इस तरह से खुद से भी हम लोग जो सेफ्टी मेजर्स करते हैं वो होता है हमारा सेफ्टी प्रोपोगेंडा। मैं ना सीक्रेट पीता हूँ ना किसी को पीने देता हूँ, और तू सीक्रेट नहीं पी सकता, और अगर तूने सीक्रेट पिया ना तो तुझे यहीं गाड़ दूंगा, फाड़ दूंगा, चीर दूंगा, मार दूंगा। तो दोस्तों यहीं पर हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है।